नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको अमृतसर में रुकने के लिए सस्ते में बेहतर जगह के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ पूरी डिटेल दूंगा कि आप यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, इसका लोकेशन क्या है, इसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप इसकी बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, ओवरऑल आपको यहां पे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे और आपको यहां पे कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। यदि आप अमृतसर में रुकने के और भी बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमृतसर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे और भी आपको बेहतरीन वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल अभी नया है तो वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसे ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू कर। सारागढ़ी निवास, यदि आप अमृतसर में रुकने के लिए प्रीमियम जगह चाहते हैं तो सारागढ़ी निवास आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। मीन्स यदि आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपको 4 से 5 स्टार होटल का मजा आएगा, मतलब काफी बेहतर जगह है। इसमें 9 फ्लोर है, मीन्स यदि आप अपर फ्लोर पे रुकते हैं तो सोचिए यहाँ से आपको अमृतसर का कितना खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। और इसका प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 999 रुपीज में एक कमरा मिल जाएगा, जिसमें आप 2 से 3 लोग आसानी से रुक सकते हैं। यदि इसकी लोकेशन की बात की जाए तो हरमंदर साहिब से इसकी दूरी 800 मीटर, मीन्स 10 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 1.7 किलोमीटर है, मतलब 22 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट है इसके बाहर, जो कि 24x7 खुला होता है। तो यदि आप बेहतर खाना खाना चाहते हैं किसी भी समय, तो यदि आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपको उसका भी फैसिलिटी मिल जाएगा। तो कुल मिला के यह जगह मुझे तो काफी बेहतर लगी। यदि वीडियो के मदद से कोई भी सहायता हुई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सजेशंस लिखें, जिससे औरों की भी मदद हो पाएगी, और ये भी बताएं कि आप कहाँ रुक रहे हैं और कौन सी जगह बेहतर है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।